सत्संग जी प्यार से बोलिए, धनकार जी आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा, आज का विषय है विश्वास। सत्संग भक्ति में भी विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा मन विश्वास रूपी जड़ को मजबूत नहीं करता, तब तक भक्ति का पौधा मजबूती के साथ फल फूल नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। किसी दार्शनिक ने कहा कि हम उस नाई पे तो भरोसा करते हैं जिनके हाथ में छुरा होता है, वो चाहे तो हमारी गर्दन उतार दे, लेकिन हमें इस बात का विश्वास होता है कि वो हमारी दाढ़ी बनाएगा, मुझे मारेगा नहीं। लेकिन सत्संगत उस परमात्मा पर विश्वास नहीं होता जिसकी कृपा से हम पल पल जी रहे हैं, जिसकी इच्छा से हम पल पल संसार में विचरित हो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं। हर अवस्था परमात्मा की इच्छा से जो हमारी चल रही है, ये परमात्मा की इच्छा से ही है। इस बात का विश्वास जीवन में हो जाए, ये जरूरी है। और ये बात हम मानने को तैयार नहीं। दुनियावी दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसके द्वारा हुआ, लेकिन सत्संगत ये जानने के बावजूद भी कि परमात्मा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इंसान इन भ्रमों को कैसे पाल लेता है, इन भ्रमों में कैसे जी लेता है, ये तो इंसान की अपनी बुद्धि के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन समय समय पर जितने गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा आए, उन्होंने यही बताया कि सर्वव्यापी परमात्मा, एक कण कण में बसने वाले परमात्मा, इस करण करावनहार परमात्मा का बोध हासिल कर लीजिए, इसकी कृपा, इसकी इच्छा को समझिए और इसकी भक्ति में जीवन की यात्रा को तय कीजिए, तो आपका जीवन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिस अवस्था के लिए परमात्मा ने आपको ये जीवन प्रदान किया है, अर्थात मुक्ति की अवस्था। सत्संग इन सभी अवस्थाओं में जो हमारी श्रेष्ठ अवस्था है वो मुक्ति की ही होती है। महात्मा कहते हैं, उठत बैठत हरि भजो, साधु के संग प्रीत, नानक दुर्मति मिट गई, पार ब्रह्म बस चित। कि साधु की संगति कीजिए, उठते बैठते परमात्मा का नाम लीजिए, इससे ही आपकी दुर्मति का अंत हो सकता है, अन्यथा इसका अंत नहीं हो सकता। कहते हैं, मक्खी बैठी शहद पे, चारों पैर गड़ाए, गड़ते गड़ते गड़ गई, लालच बुरे बलाए। दुनियावी चीजों में हम जितने अपने आप को संलिप्त रखते हैं, हमें उतना ही दुख प्राप्त होता है, उतना ही पीड़ा प्राप्त होती है। इसीलिए महात्मा भौतिकता की तरफ नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की तरफ जागरूक होने की बात समझाते रहे हैं। आइए हम अपने जीवन में विश्वास की डोर मजबूत करते चले जाएं, विश्वास की जड़ को और भी पनपने दें, और भी मजबूती के साथ धरती में पकड़ बनाएं। और ये विश्वास जिस धरती में पनपेगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही भक्ति है। भक्ति की ही धरती में ही विश्वास पनप सकता है, फल फूल सकता है, और तभी हमारे जीवन में आनंद का फल प्राप्त होगा। इसी स्वभाव के साथ हम सभी प्रार्थना करें, हे प्रभु आप करण करावनहार हो, आपके द्वारा किए गए हर कृत्य को हम स्वीकार कर पाएँ, हम अपना पाएँ और हमेशा आपका शुक्रगुजार होकर जीवन की यात्रा को तय कर पाएं। इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे ज्यादा चाहेगा
प्यारी सात सगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।